आप लोग भी इस तरह का AI इमेज बना सकते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर रील भी बना सकते हैं, और रील बनाकर आप इंस्टाग्राम पर वायरल भी कर सकते हैं और फॉलोअर भी बढ़ा सकते हैं। तो आप इसे कैसे बना सकते हैं इसके बारे में पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पहले क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे बिंग इमेज क्रिएटर। सर्च करने के बाद पहले वाले वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद थ्री लाइन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है। हम यहाँ पर ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड जो बना हुआ है इसमें डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन इन हो गया है। प्रॉम्प्ट है उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से नेम जो लिखा हुआ है इस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अलग कुछ नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम कुछ दूसरा नाम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिए मुन्ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे येलो हुडी लिखा हुआ है तो ये सब रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से चार इमेज यहाँ पर क्रिएट हो गया है। जो इमेज आपको अच्छा लगे, जिस पर टी शर्ट पर नाम आपका अच्छा लिखा हो, उस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चार इमेज इस तरह से है, इसको ओपन करके दिखा देते हैं आपको। ये पहला इमेज है और ये दूसरा और तीसरा, ऐसे ही ये चौथा। तो अगर ये इमेज आपको अच्छा लग रहा है या फिर ये जो इमेज आपको अच्छा लग रहा है उस इमेज को आप यहाँ पे डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक कर दें। देन आपको देख सकते हैं यहाँ पर इमेज डाउनलोड हो गया है। इस तरह से और इमेज बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर टी शर्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कलर करके चेंज करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है येलो, यहाँ पर हम दूसरा कुछ कलर लिख देते हैं, मान लीजिए ग्रीन लिख देते हैं। यहाँ पे ग्रीन हो गया। उसके बाद यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम नाम भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे रोशन लिख देते हैं, यहाँ पे रोशन हो गया। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से चार इमेज फिर से क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं जो इमेज आपको अच्छा लग रहा हो उस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसमें देखिए, और आपको नाम भी सही दिख रहा हो जिसमें इस इमेज में, उस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से चारों इमेज में नाम सही दिख रहा है, तो यहाँ से हम थ्री डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड कर देते हैं। ये तो बॉय का था, और आप गर्ल का कैसे बना सकते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉय जो लिखा हुआ है यहाँ पे गर्ल लिख देना है, यहाँ पे गर्ल लिख देना है। गर्ल लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लड़की का नाम लिख देना है। यहाँ पर लड़की का नाम लिख देते हैं हम इस तरह से। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ग्रीन किए हैं यहाँ पर रेड या पिंक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम रेड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपली क्रिएट के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं इस तरह से चार इमेज फिर से क्रिएट हो गया है। तो आप जो इमेज इसमें से आपको अच्छा लग रहा है उस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये इमेज उनको अच्छा लग रहा है, इस इमेज को हम यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करते हैं या बनाते हैं, तो आप इस तरह से शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर क्या करना है, आपको म्यूजिक लगा के बना लेना है। जैसे कि मेरे इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरह का मैं उस पर इमेज को डाल के म्यूजिक में बनाता हूँ रील्स और अपलोड करता हूँ। तो इस तरह से आप भी अपलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं और फ्लोर भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही टेक्निकल जानकारी सीखने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका प्रॉम्प्ट आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये कॉपी कर लेना है और आप यहाँ पर पेस्ट करके बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।